मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए जो सर्वशक्तिमान प्रभु ने हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 46वां वचन हम पढ़ें। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कहकर प्राण छोड़ दिए। हमने कल भी यही वचन पढ़ा था, हमने मनन किया, हमने देखा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उन अंतिम क्षणों में भी वचन को कह रहे हैं। पिता का जो काम उनको सौंपा गया था कैसे पूरा किया। आज हम वो उसी बातों को जब ध्यान देते हैं, ध्यान दे उधर प्रयोग किया हुआ एक एक शब्द, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज सुबह जरा रुककर उन शब्दों को ध्यान दे। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के तौर पर जब हमारे लिए कीमत दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, मेरा पिता है। आज इस संसार में हम देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर है नहीं, कईयों के लिए परमेश्वर सिर्फ एक शक्ति है जिसे कोई जान नहीं सकता, किसी गुरु के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा अकेले ही रहता है, कोई उसे जान ही नहीं सकता। लेकिन इधर प्रभु यीशु के आखिरी उन शब्दों से मालूम चलता है, प्रकट कर रहे हैं कि वो पिता है, शक्ति नहीं व्यक्ति है, जिसमें व्यक्तित्व है। तभी ना मैं अपने प्राण को तेरे हाथ में सौंपता हूं कह रहे हैं। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा, हे परमेश्वर, मैं आपके हाथ में अपने आप को सौंपता हूं, वरन प्रयोग किया हुआ शब्द पिता है। प्रभु यीशु का पूरा जीवन हमारे सामने यह प्रकट किया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। यहूदियों ने प्रभु यीशु को इसी बात के लिए क्रूस पर चढ़ाया था, क्योंकि प्रभु यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते थे। यहूदियों का सोचता, हम भी तो परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन प्रभु यीशु की बातों से लगता था कि उनका परमात्मा परमेश्वर के साथ कुछ गहरा नजदीकी संबंध है जो साधारण मनुष्य को नहीं है। प्यारे अजीजों, एक विश्वासी जब इस संसार से छोड़कर जाता है, ना दौड़ पूरा करता, कितनी बड़ी तसल्ली है कि इस बात को समझते हुए जा रहा है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। प्रभु यीशु जब अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंपे, रोते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, उदास बेहोश होते हुए नहीं, लेकिन पूरे होश में है। अब जरा ध्यान दे, जो शब्द प्रभु यीशु ने कहा, क्या कोई और व्यक्ति कभी कह सकता है, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं? हां, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी प्रार्थना है और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता भी है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु ने इन शब्दों को जिस अर्थ से इस्तेमाल किया, कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकता। क्यों? जब मौत आती है, हमें जाना है। हमारे लिए मौत एक कार्य नहीं है, वो हमारे जीवन में हो जाता जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते, हम बेहाल होते हैं। इसलिए आत्महत्या करना एक जुर्म है, एक जुर्म है, क्योंकि हमारे नियंत्रण में नहीं है कब हम अपनी जान को दे सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु को जरा देखें, केवल प्रभु यीशु ही कहता है कि मुझे अपना जान देने का और लेने का मुझे हक है, कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। अगली बात, क्या प्रभु यीशु को जान देने की जरूरत थी?
मौत का स्वाद चखने की कोई जरूरत है? हमारे लिए हमारा स्थान न लिया प्रभु ने, और फिर भी क्रूस पर चढ़ाने के बावजूद भी चाहिए तो वो कीलों को निकालकर मजाक उठाने वालों के बीच में उतर आ सकता था। शरीर बेशक कमजोर था, शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि इतनी जोर से चिल्लाए, फिर भी अंदर से वो उत्साह जिसके कारण इतने जोर से चिल्लाकर एक एक शब्द बोला। लेकिन प्रभु यीशु ने खुद ही तय किया अपनी स्वइच्छा में जान देने का। कोई स्वइच्छा में नहीं करता है। आत्महत्या करते वक्त भी कितने प्रयास करते मर नहीं पाते, कारण मनुष्य के हाथ में नहीं, केवल यीशु मसीह ही है जो अपने जान को देकर वापस ले सकता है। अपनी स्वइच्छा से अपना जान हमारे लिए दिया। प्रभु यीशु के लिए मृत्यु एक कार्य था जिसमें उनका एक बड़ा हिस्सा है। स्वइच्छा से पिता के हाथ में सौंप दिया, सारे जगत के सामने एक अनूठा व्यक्ति मसीह यीशु। अंतिम क्षणों में भी प्रकट किया कि परमात्मा परमेश्वर हमारा पिता है। प्यारे अजीज, क्या आपके लिए भी परमेश्वर आपका पिता है या परमेश्वर सिर्फ है? क्या आप उनके साथ, परमेश्वर के साथ का नजदीकी संबंध अनुभव करते हैं? नहीं है तो प्रभु मौका देता है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता, आपके चरणों में आकर आपके वचन को मनन करने का आप मौका दे रहे हैं। बाप, विनती करते हैं एक एक वचन जब प्रभु मसीह जगत गुड फ्राइडे के लिए तैयार हो रहा है, प्रभु हमारे लिए प्रतिदिन आप हमारे लिए मरे उस बात को हमेशा एहसास करते हुए जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद करें प्रभु, ताकि हम अपने लिए ना जिए वरन आपके लिए जिए। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।